कैसे हो सभी मेरे प्यारे बच्चों। आई होप, मुझे उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो त्रिकोणमिति के फलन है, यानी ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है उसके बारे में। आज मैं आपको पहले जो चैप्टर 3 जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर यानी पार्ट 3 है, मैं पहले उसके बारे में आपको बतला रहा हूँ। देखिए, इसके अंदर मैं आपको बहुत छोटी बेसिक से बेसिक बातें बताऊंगा, क्योंकि जब ही आप यदि वो बात समझ गए तो आने वाले पूरे चैप्टर 3 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर आपके एग्जाम में से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और वो आप कर कर आएंगे, छोड़कर नहीं आएंगे, मेरा दावा है। यदि आपने मेरी इस वीडियो को पूरा देखा, देखिए, यदि आप किसी काम को करने स्टार्ट करते हैं, यदि आपको उसे छोटा समझ लेते हैं, हल्का समझ लेते हैं, तो आप वही एक दिन कहीं ना कहीं मार खा जाएंगे, क्योंकि कोई भी छोटा काम छोटा नहीं होता। जैसे एक मटके के अंदर पानी भरा हुआ है, यदि उसके अंदर छोटा सा छेद हो गया तो वो रिस रिस कर खाली हो जाएगा। इसी तरीके से आपका ज्ञान है, यदि आप कहीं छोटे से भी कमजोरी रह गई और कहीं छोटा सा छेद रह गया तो आप कहीं ना कहीं टूट जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, आपके पास इतना ज्ञान नहीं रहेगा। तो देखिए पूरी वीडियो को, और यदि अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर जो बहुत सारी बेसिक चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, काम में आने वाली हैं। देखिए, आप 10th क्लास में पढ़ के तो आ चुके हैं, कुछ बातें आपकी वहाँ से भी यूज़ होंगी और कुछ बातें आपको आगे की मिलने वाली हैं इसके अंदर। देखिए कैसे, देखिए एक हमारे पास एक चीज़ पूछता है कि रेडियन, देखिए रेडियन क्या चीज़ होती है। तो रेडियन हमारा जो पाई के रूप में आता है वो हमारा रेडियन होता है। एक पूछ लेता हमसे अंश या डिग्री, तो क्या होगा, जैसे मैंने माना 45 डिग्री आपको बोल दिया तो वो हमारे क्या अंश के अंदर आ गया, ये हमारा पाई के अंदर है तो रेडियन में आ गया। अब देखिए, मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई 180 है हमारे पास, ठीक है, अब 180 हमारे पास जो वैल्यू होती है वो किसके पाई के ही बराबर होती है। जो पाई की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी, 180 ही होती है। ये बात आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो आज आप उसको समझ लें। अब यदि हमसे बोल देता है वो कि 45 डिग्री को, देखिए आपको ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ये वाले सवाल आपको आने वाले हैं, हमसे कहते हैं यदि 45 डिग्री को पाई में रेडियन में चेंज कीजिए यानी पाई के रूप में चेंज कीजिए, तब कैसे करेंगे। तो आपको याद रखना फॉर्मूला हमारा है, जब भी हमसे क्या रेडियन में पूछता है तो क्या करेंगे, पाई बटे 180 की मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, पाई बटे 180 की मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से निकाल लेंगे। अब करना है क्या हमें, देखिए इसे डिवाइड कर लेते हैं यहाँ से, हम अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 45 से जाएगा हमारे पास 4 बार जाएगा यानी पाई बटे 4 आ जाएगा। या मैं छोटी सी बात ले लीजिए, मैं यदि इसको बोल दूँ 30 डिग्री को कर दीजिए, यानी 30 डिग्री को रेडियन में बदल लिए तो 30 मल्टीप्लाई पाई बटे 180, तो 0 से 0 खत्म और 3 छिंग 18, तो पाई बटे कितना का 6 आ गया, ये हमारा क्या हुआ रेडियन हो गया। अब भाई इसी तरीके से हमसे क्या बोल ले कि 90 डिग्री हमारे पास ना देकर वो क्या दे दे, पाई बाई 2 दे दे, क्या दे दे। अब कहे जी भाई इसको डिग्री में चेंज कीजिए, भाई इसकी वैल्यू जितनी हमारी है इतनी वैल्यू हमारी इसकी है, अब चेंज कैसे करेंगे इसके लिए, तो हम क्या करेंगे भाई, हम जो दे रखा है हमें पाई बाई 2 दे रखा है और हमें क्या डिग्री यानी अंश में बदलना है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई उसका उल्टा कर देंगे यानी 180 बटे पाई से करेंगे। क्या करेंगे भाई, 180 बटे पाई से करेंगे और पाई से हमारा पाई कट जाएगा तो कितना आएगा 180 बटे 2 और 2 से काटेंगे कितनी बार आएगा 90 बार जाएगा। बस इतनी सी बात थी, हमारे पास क्या हुआ जब रेडियन पूछता है तो पाई बटे 6 में क्या करा हमने, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर दी, और यदि हमसे डिग्री पूछता है तो क्या करा हमने वहाँ पर 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर दी, था बहुत सिंपल था और हमारे पास निकल कर इसकी वैल्यू आ गई। और देखिए इसी तरीके से हमारे अंदर बहुत सारे इसके यूज़ रूल्स होने वाले हैं, कैसे कैसे समझ लीजिए। देखिए हमारे पास एक क्वाड्रेंट्स रूल्स होता है और हमसे वहाँ उसकी वैल्यू मालूम करेगा, भी वैल्यू निकालिए, वैल्यू कैसे निकालें, वहाँ पर बहुत सारे सवाल दे दिए होंगे कि भाई साइन यूनिवर्स 1/2 की वैल्यू निकालिए, भाई कैसे निकालें इसकी वैल्यू हम, और हमसे बोल दें भाई हमें साइन 150 की वैल्यू निकालिए, भाई ये तो टेबल के अंदर हमारे पास है निकाल सकते हैं। यदि हमें इसको ना बोलकर और बोलते भी 1450 की वैल्यू निकालिए, अब क्या करेंगे आप, चुप हो जाएंगे ना, चुप नहीं होना भाई, रूल को समझ लीजिए आप आसानी से निकाल देंगे। देखिए हमारे पास एक चतुर्थांश क्वाड्रेंट होता है, याद रखना है, देखिए हमारे यहाँ पर क्या 0 से स्टार्ट होती है और यहाँ पर क्या ये 90 डिग्री होता है, तो यहाँ कितना होगा 180 डिग्री होता है और यहाँ 270 होगा, नीचे की ओर कितना होगा हमारा यहाँ पर 270 होगा और यहाँ फिर हमारा कितना ये 360 पर फिर दोबारा आ जाएगा। अब हमें याद रखना है भाई कि 0 से और 90 के बीच में हमारे कौन कौन से चिन्ह आते हैं, देखिए ध्यान रखें, जो भी हमारे पास साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा,
ठीक है, कोसेक थीटा और यहाँ पर सेक थीटा, जितने भी हमारे साइन के रूल होंगे यानी इन जितने भी हमारे ये फंक्शन आते हैं वो सारे कैसे होंगे, हमारे पॉजिटिव होंगे, कैसे होंगे, हमारे प्लस के होंगे। भाई अब हमारे पास ये कौन सा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, इसकी बात करते तो हमारा ये सेकंड कहलाता है, चतुर्थांश यहाँ बात करें तो हमारे थर्ड कहलाता है और यहाँ बात करें तो हम फोर्थ कहलाता है। भाई फर्स्ट में तो हमारे सारे क्या हो गए, प्लस के हो गए जी, सेकंड में कैसे होंगे, भाई सेकंड में बता देते हैं आपको, भाई याद रखना है साइन थीटा और यहाँ पर हमारा यदि कोसेक थीटा आता है तो हमारे सारे पॉजिटिव होंगे और बाकी यदि इसके बाद हमारे आते हैं जितने भी साइन होंगे वो हमारे कैसे होंगे, माइनस के होंगे, भाई बाकी जो बचे वो माइनस के होंगे। अब इसी तरीके से हमसे बात कर ले थर्ड चतुर्थांश में क्या होंगे, भाई याद रखना है tan थीटा और cot थीटा हमारे पास ये प्लस के होंगे और बाकी कैसे होंगे, वो नेगेटिव होंगे। अब बात है हमारे भाई यहां पर क्या होगा, भाई याद रखना है यहां पर cos थीटा और sec थीटा ये हमारे प्लस के होंगे और बाकी सब नेगेटिव होंगे। बस इतनी सी हमारी बात थी। अब भाई बात आई, हमने चतुर्थांश बता दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये बता दिया कौन से प्लस के कौन से माइनस के हैं। अब बात करते हैं भाई चतुर्थांश के अंदर भाई याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, देखिए जीरो से ये हमारे क्या है 90 के अगर बीच में रहता है तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, क्या कहलाता है, पहला चतुर्थांश कहलाता है। अभी यदि यहाँ याद रखिए भाई यदि 90 में थीटा का मतलब है मैंने इसमें 0.1 भी जोड़ दिया, टेन जोड़ दिया या कुछ भी जोड़ दिया, अपनी 0.1 भी जोड़ देता हूँ तो क्या होगा हमारे पास में 90 से ज़्यादा हो जाएगा। भाई जब 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा मतलब है कि 90 से ज़्यादा इस वाले में आ गया, यानी हम कह सकते हैं तुरंत वो सेकेंड में पहुँच गया। यदि हमारा 90 माइनस थीटा हो गया, 90 में से थोड़ा भी कम हो गया तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश में आ गया। तो ये हमारा कौन सा था, ये चतुर्थांश था हमारे पास में फर्स्ट था और ये कौन सा हमारा सेकंड था। तो देखिए यहां पर यदि ऐड कर देता हूं तो सेकंड में पहुंच जाता है और थोड़ा सा कम हो जाता है तो हमारा फर्स्ट में आ जाता है। अब यदि बात करता हूं तो ध्यान से समझ लीजिए, यहां पर सेकंड है हमारे, यदि 90 और 180 के बीच में रहता है तो सेकंड में रहेगा, यदि 180 प्लस हो जाता है, मैंने माना 180 प्लस थीटा हो गया तो कहां पहुंच जाएगा भाई, थर्ड में आ जाएगा, याद रखना यानी होते ही थोड़ा सा भी वो थर्ड में आ जाएगा। और यदि 180 माइनस थीटा हो गया भाई बोल देना सेकंड में आ गया है। तो इसी तरीके से यदि बात करता हूं यहां पर 180 से 270 के बीच में तो थर्ड में रहेगा और यदि इसमें माइनस हो गया तो थर्ड में, यदि इसमें ऐड होता है तो हमारा कौन से में, फोर्थ में पहुंच जाएगा। तो याद रखना है अगर हम ऐड करते हैं तो वो कौन से में जा रहा है और जब घटाते हैं तो कौन से में जा रहा है, ये हमारे पहचान करना जरूरी होता है कि फर्स्ट में है, सेकंड में है, फोर्थ में या थर्ड में है। क्लियर आ रही है आपको बात, समझ में आ रही होगी। तो बस इतनी सी रखनी है हमें बात याद। अब रहा यही बात हमारे सामने, भी मैंने बोला कि साइन, क्या बोला कि साइन 30 की वैल्यू याद कीजिए भी क्या होती है, तो हमने क्या बोला जी 1/2 होती है। हाँ जी होती है, हमने मान लिया, हमने कब कहा नहीं होती है। अब यदि हमसे वो कह दे, यहीं पर बोल दे भाई साइन 120 की वैल्यू याद कीजिए, मैं छोटी वैल्यू बतला रहा हूँ, फिर साइन 120 की वैल्यू कैसे याद करेंगे, भाई टेबल से आपने याद कर ले तो याद होगी, यदि आपको टेबल से अलग याद ही निकालनी पड़ जाए तो तब कैसे करेंगे। तो भाई आपको याद रखना है, क्या रखना है, हम जब भी कोई वैल्यू होगी वो देखना चतुर्थांश की किसके पास में आ रही है। देखिए वो 90 प्लस 30 के पास में आ रही है बनने के लिए, तो 180 माइनस हमारे पास में कितना, यदि मुझे कितना करना है 120 करना है, यदि मैं 60 कर देता हूँ तो 120 हो जाएगा, पर हमें नियरली किसके पास आ रही है, वो 90 के पास आ रही है। तो मैंने साइन 90 प्लस 30 कर लिया, आप निकालेंगे तो इससे वैल्यू हमारी वही आएगी। तो हमने नियरली जो हमारे बिल्कुल पास करीब होता है हम उसको लेते हैं, तो साइन 90 प्लस 30 हमने इसको कर लिया। भाई याद रखना है इसका रूल्स होता है कि जो भी हमारे पास 90 प्लस 30 करा है तो जो आगे संख्या दी हुई है, अब देखो कौन सी चतुर्थांश पहुंची हमारी, देखिए 90 प्लस 30 यानी ऐड हो गया ना, तो क्या हुआ 90 तक यदि हमारा है तो फर्स्ट में है और 90 से प्लस हो जाती है कहाँ पर आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, साइन 30 हमारे पास जैसी थी हमने उतार दिया। अब भाई अब देखना हमारा ये चेंज होगा नहीं होगा या क्या होगा, अब हम साइन 30 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, भाई आपको याद रखना है एक बात याद रखनी है, क्या रखनी है, देखिए जब भी यहाँ साइन होगा हमारा साइन ये तुरंत कोस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हमारा यहाँ पर कोस हो जाएगा। भी कोस कैसे हो गया, अब मैं बता देता हूँ, भाई अगर 90 पर यदि 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, यानी कि हमारा ऐसे लंबवत आता है तो साइन का कोस, याद रखना है कोई वैल्यू हमारी साइन थीटा तो वो कोस में बदल जाएगी, ठीक है, कोस है तो साइन में बदल जाएगी, टेन है तो कोट में बदल जाएगी, यानी इस तरीके से वो चेंज हो जाएगी। और यदि हमारा 180 और 360 पर रहता है, चाहे वो प्लस हो माइनस हो, यानी कि अगर हमारा बेस पर रहता है ऐसे रहता है तो हमारा क्या होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी, साइन की साइन रहेगी, कोस की कोस, टेन की टेन ही रहेगी। बस आपको याद रखना ऐसे,
90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा हो या 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा हो, तो इस पर वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी, साइन की कोस कोस की साइन हो जाएगी। और यदि 180 पर लेती है, ऐसे लेटर रहता है बिल्कुल हमारा, तो हमारा क्या होगा, ये चेंज नहीं होगी। तो इसलिए क्या हुआ, जब हमारा 90 प्लस 30 था तो साइन में कितना हमारे पास कोस होगा, ये हमारी मेन बात होती है। जो आगे वाली संख्या है वो उसको हम ऐसे ही उतार देते हैं, तो कोस 30 आ गया। अब एक बात रखनी है भी हमें, अब ये प्लस का आएगा माइनस का आएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं। भाई हमारा देखिए ध्यान से, अगर मैं देखता हूँ कौन से तत्व ध्यान से पहुँचा, ये तो पहुँचा सेकंड में। अब सेकंड में हमारा कोस क्या है, देखिए कोस तो हमारा सेकंड में माइनस का, पर यहाँ पर तो प्लस हमने ले रखा है, क्योंकि कोस। अब हम कैसे करें भाई, ये क्या आएगा हमारे पास, भाई आपको याद रखना है कि हम वैल्यू चेंज किसकी कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं साइन की। और साइन हमारा सेकंड में कैसा है, देखिए पॉजिटिव है हमारा, कैसा है हमारा, प्लस है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर कोस प्लस का रहेगा। अब बात आई भी कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, अब हमें याद रखनी चाहिए जो हमारे टेबल्स, अगर हमें याद है नहीं है भी टेबल को याद कर लें अच्छे तरीके से, क्योंकि बिना टेबल को याद करें हमें वैल्यू की नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें टेबल की इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास रूट 3/2 वैल्यू होती है, वो किसकी होती है, कोस 30 की वैल्यू, हमारे पास कोस 30 की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी। अब इसी तरीके से यदि हमसे पूछ ले, चलिए मैं आगे देख लेता हूँ, यदि हमसे पूछ लेता है भी साइन 120 की तो हमने निकाल ली, अब हमें कोस 120 की निकाल के दिखाइए, कि हमने 120 ले लिया, काम वही करना है, कोस 90 प्लस 30 करना है हमें। अब देखिए कोस 90 प्लस 30 मैंने बताया था, कोस हो जाएगा साइन, अब वो कितना हमारे पास 30। अब देखिए चेंज क्या हो रहा है हमारे पास, वो कोस हो रहा है, और कोस कैसा है हमारा सेकंड के अंदर, माइनस का है, क्योंकि यहाँ पर केवल साइन और कोसेक थीटा हमारा प्लस का है, तो यहाँ लगा देंगे माइनस, और वैल्यू कितनी माइनस की 1/2। तो इस तरीके से हम कितनी भी वैल्यू की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे वो 150 हो, 180 हो, 360 हो, चाहे 1450 हो, कुछ भी संख्या है, हम इस तरीके से उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए बहुत सारी बेसिक बातें इसके अंदर हमारी आएंगी। अब जैसे हमसे पूछ लेता है भाई साइन, हमने हमसे कह दिया भाई साइन थीटा का मान बताइए, क्या बताइए, वो 0 से 90 के बीच में बढ़ता है या कम होता है, भाई अब ज्ञात कीजिए, बताना है आपको इसकी वैल्यू किसके किसके बीच में होती है। मैं बता देता हूँ इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच होती है। अब वही बोल रहा है कि वो वैल्यू का मान बढ़ रहा है या घट रहा है, भाई आपको याद रखना है, छोटी सी बात है कि यदि बात करूँ कि 0 से और यदि 90 की वैल्यू तक पहुँचता है, यानी मना साइन पर साइन थीटा 0 हुआ तो 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/2, 45 की 1/√2, √3/2 और 1, तो क्या हुआ 0 से 1 हो गया, तो क्या हुआ 0 से 90 तक गया, तो कितना बना हमारा, बढ़ा नहीं बढ़ा, यानी 0 से 1 हो गया। इसी तरीके से हमसे क्या देता है, तो 0 से कहाँ तक, हमसे 180 के बीच में क्या होगा, तो वैल्यू हमारी घटने की बढ़ेगी, भाई यहाँ वैल्यू घटेगी क्योंकि यहाँ माइनस हो जाएगा लास्ट में जाके। तो भाई इस तरीके से बहुत सारी बेसिक बातें हैं जो अभी आपको इसमें काम आने वाली हैं, वो मैंने अब आपको बता दी हैं, और बहुत सारी बातें आपकी आएंगी चैप्टर के अंदर, वो मैं आपको उसी समय पर हाथों हाथ बताता चलूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको सारी टेबल 180 तक टेबल याद कर लें, जो आपको हाई स्कूल में हाइट एंड डिस्टेंस अकॉर्डिंग होता है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना है, यानी जितने भी आपने 10th क्लास में पढ़े उन रूलों को एक बार रिविज़न कर लें, क्योंकि आने वाले इस चैप्टर के अंदर वो सारे लगने वाले हैं। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन दबा लें, जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो आपको उसकी नोटिस मिलता रहेगा। और हाँ, इसके बाद यदि आप कर लेते हैं तभी आप चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे।